हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज हम बात करेंगे ट्विन्स प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, ऐसे ही आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम्स आएगी कि आपका पेट बहुत ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी में सिंगल के अपेक्षा पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है। और उसके अलावा आपके जो पेट में है, बहुत ज्यादा खिंचाव आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वजन बढ़ेगा एंड साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके पेट का भी साइज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है एंड आपका पेट बहुत ज्यादा तना तना रहेगा। एंड उसके बाद में आपके पेट में जो नसें हैं वो दूर से ही चमकना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पेट में बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स होने वाले हैं, हो सकता है कि आपकी नाभि तक भी आ जाए और बहुत लंबे लंबे एंड बहुत ज्यादा ही होंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपने पेट में नाखूनों से खुजली बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जो है, जब भी आपकी खुजली हो तो आप बहुत ही हल्के से हाथों से सहराएं, ना कि आप उसको खुजलाएं, क्योंकि अगर आप खुजलाती हैं तो बहुत ही गंदे दाग पड़ जाएंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एंड उसके बाद में आप अपने पेट पर लोशन या फिर नारियल का तेल जरूर लगाएं, जिससे कि आपके पेट पे चिकनाहट रहे एंड स्किन जो है ड्राई ड्राई ना रहे, तो आपके पेट पे उतनी ही कम खुजली होगी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी नाभि में भी दर्द हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड उसके बाद में आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। आपको उठते, लेटते, बैठते, करवट लेते प्राइवेट पार्ट में दर्द होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस आप एक बात ध्यान रखें कि आप जब भी लेटने जाएं तो आप अपने पैरों को बिल्कुल भी दूर दूर ना करें एंड आप जहां तक हो सके अपने पैरों को पास पास ही रखें। जितना आप दूर करेंगे उतनी आपको दिक्कत होगी। आप जब भी करवट लें तो पैरों को पास पास करके ही करवट लें, और आप थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी सीधे लेटने की कोशिश ना करें। जब भी लेटें, दाएं करवट या फिर बाएं करवट पर ही लेटें, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के 7 मंथ से आपको झूठे लेबर पेन भी आ सकते हैं, मतलब आप महसूस करेंगे कि आपके पेट में एकदम से दर्द उठेगा और आपका पेट एकदम से कड़क जैसा हो जाएगा। उसके बाद में आपका पेट अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही होती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। एंड अगर आपको ये दर्द जल्दी जल्दी आए एंड लगातार आए, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाएं, अदरवाइज कोई भी समस्या वाली बात नहीं होती है। एंड उसके बाद में आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में नींद की बहुत ही ज्यादा समस्या होने वाली है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, बहुत ही कम नींद आने वाली, क्योंकि आपका पेट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा एंड आपका वजन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिस वजह से आप बिल्कुल भी लेटने में कंफर्टेबल नहीं रहेंगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। एंड इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आप कोशिश करें कि जब आप सोने जाएं तो एक गिलास गुनगुना दूध जरूर लें, इससे आपको नींद अच्छी आ सकती है। एंड उसके बाद में आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा गैस, कब्ज, अपच एंड पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती हैं। एंड आप बाहर की चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एंड उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, एंड उसके बाद में आप नारियल पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए, और आप सिकंजी ले सकती हैं, आप नींबू पानी ले सकती हैं, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि आपको कब्ज की समस्या में थोड़ी राहत मिले। और एक बात ध्यान रखें, आपको दिन में हर 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना है, एंड उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा टहले, एंड उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, ताकि आप जो भी खा रही है वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके सर में भी दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, तो आप अपने सर में चंपी कराती रहे, आप झंडू बाम वगैरह भी लगा सकती हैं, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में उठने, बैठने, लेटने, चलने, हर चीज में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड उसके बाद में आपकी कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द एंड घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। एंड आप अपनी रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में एंड पैरों में रात को सोते समय मालिश जरूर करें एंड दर्द का ट्यूब लगाएं, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। एंड आप चाहे तो अपने पेट में भी सरसों के तेल से हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल मालिश कर सकती हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एंड उसके बाद में आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा थकान रहने वाली है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार काम नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा काम करें एंड उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स जरूर करें। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में पैरों में आपके काफी ज्यादा सूजन भी आ सकती है, सूजन से बचने के लिए आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको बहुत ज्यादा खड़े होकर काम नहीं करना है, आप जितना ज्यादा खड़ी रहेंगी उतना ही ज्यादा आपके सूजन आएगी एंड उतना ही ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में और कमर में दर्द रहेगा, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैं आपको एक बात जरूर सजेस्ट करूंगी कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा जीना नहीं चढ़ना है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको 7.5 महीने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि आप कभी कभी जीना चढ़ के आएगी, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पानी छूट जाए,
तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी कि अगर आपका पानी लगातार आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर थोड़ा सा छूट जाता है उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। आप ध्यान रखें अपनी ट्वींस प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा हैवी भोजन ना लें, आप हल्का भोजन लें एंड थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें ताकि आपको गैस और अपच इन चीजों से थोड़ी बहुत राहत मिले। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और ये जो सारी समस्याएं होती है वो डिलीवरी के बाद अपने आप ही चली जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।